हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय हैप्पी प्लेस माय टेरेस गार्डन। मैं शिल्पा भोपाल से। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ गार्डनिंग में व्यस्त और मस्त ही होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने जो गवर्नमेंट नर्सरी से अपने कलेंजो खरीद के लाई थी वो मैंने सारे ही रिपोर्ट कर लिए हैं, तो आज मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से हम अपने प्लांट्स जो आपके पास पहले से हैं उनकी भी आप कलेंजो की अभी कटिंग्स लगा लीजिए। और अब देखिए, इस टाइम पे मॉसरोज की इतनी बहार आई हुई है छत पे कि देखते ही बनती है। और रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर मैं छत पे मेरी जो गार्डन की सेटिंग्स हैं वो चेंज करने में लगी हुई हूँ, तो बहुत जल्दी आप लोगों के साथ पूरे गार्डन का ओवरव्यू शेयर करूँगी। काफ़ी सारे प्लांट्स मेरे बारिश में बहुत अच्छे से रिवाइव भी हो गए, तो जल्दी आप लोगों के साथ मैं अपडेट शेयर करूँगा। तो ये देखिए, ये जो मेरा गमला था इसमें पहले नीचे मेरी यहाँ हाफ से भी ज़्यादा यहाँ तक के 3/4 में मेरी पूरी काली मिट्टी भरी हुई है। ऊपर से सिर्फ मैंने इसमें सैंड भर दिया है, जितने एरिया में हमें रूटिंग की ज़रूरत है उतने एरिया में मैंने सैंड भर दिया है। और बाकी आपको मैं दिखाऊँ तो ये जो मैं प्लांट्स खरीद के लाई थी ये अपने कलेंचो के, या आपके पास जो प्लांट्स हैं वो भी, जैसे मैंने कि पहले भी आप लोगों को दिखाया, जो मेरे पुराने प्लांट्स थे उन सबकी मैं कटिंग्स लगा चुकी हूँ। तो इस तरीके से देखिए, एक छोटे से पेड़ में से भी मैंने इतनी सारी, और ये देखिए मेरे इसमें लगी हुई थी और इतनी अच्छी रूटिंग इसमें हो गई है इसी प्लांट में। और ये भी मेरा एक पिंक कलर का कलेंचो है जिसकी देखिए जरा सी कटिंग मैंने इसमें लगा दी थी, आप मान के चलिए कि इतनी ही कटिंग रही होगी है, और देखिए कितने अच्छे तरीके से ये मेरी कटिंग चल चुकी है। तो इस तरीके से मैंने इसकी छोटी छोटी सी कटिंग्स कर ली। इतनी छोटी कटिंग्स भी आपकी लग जाए, अगर आपके पास प्लांट छोटा है तो आप घबराइए नहीं, आपकी छोटी से छोटी कटिंग भी चल जाएगी। और अगर प्लांट आपके अच्छे बड़े हैं तो आप थोड़ी बड़ी कटिंग भी इसकी लगा सकते हैं। तो ये सारी ही कटिंग्स को देखिए, इसमें कुछ भी रूटिंग हार्मोन वगैरह भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत ईजीली लग जाते हैं। बस इसका एक चीज़ जो हमें ध्यान रखने वाली रहती है वो ये है कि हमको इसको बारिश में बिल्कुल नहीं रखना है, इसको हमें शेडी एरिया में ही रखना होगा। और देखिए इस तरीके से लगा के मैं इसको सिर्फ इस तरीके से प्रेस कर दूंगी, बिल्कुल हल्के से लगा के प्रेस कर देना है। ये देखिए, ये जरा सी मैंने ली और इसको लगा के, इसको जरा सा करके मैंने इसे प्रेस कर दिया। तो इसी तरीके से मैं आपको सारी कटिंग्स लगाकर फिर मिलती हूँ। तो ये पूरी तरीके से मैं इसको पूरा भर लूँगी सारी कटिंग्स लगाकर, और इसको फिर मैं शेडी एरिया में रख दूँगी। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कटिंग की जो नीचे नीचे की लीव्स रहती हैं ये आप अच्छे से रिमूव कर दीजिए, वरना फिर ये फंगस क्रिएट करती हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको होल्ड किया, और जहाँ तक इसकी सॉइल में लगने वाली बात है, देखिए इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर तरफ से लगाया है, तो ये नीचे जो लीव्स हैं ये पूरी तरीके से आप सॉइल में मत टच होने दीजिएगा, तो ये प्लांट जो है वो फंगस भी नहीं लगेगी इसमें। इस तरीके से इतनी नीचे की आप लीव्स रिमूव करिए कि वो सैंड से टच ना करे बस। और इसके ऊपर फिर मैं ट्राइकोडर्मा का एक स्प्रे कर दूंगी और इसको शेडी एरिया में रख दूंगी। तो देखिए, ये मैं अभी काट रही थी और मेरा कैमरा बंद हो गया था, तो ये मैंने इस तरीके से इसको यहाँ से तोड़ लिया है। और इसके अंदर की भी ये जितनी भी ये अब ब्रांचेस हैं ये भी सारी मैं तोड़ लूँगी, छोटी से छोटी ब्रांच को भी मैं लगा लूँगी। ये देखिए, इसको मैंने अलग कर लिया, इसके नीचे की लीव्स को मैं रिमूव कर दूंगी इस तरीके से, ऐसे ये नीचे नीचे की मैं लीव्स को रिमूव कर दूंगी। तो ये इतनी सी कटिंग भी बहुत अच्छी तरीके से हमारी चल जाएगी। ये देखिए, इतनी सी कटिंग भी हमारी बहुत अच्छी तरीके से चल जाएगी। और बाकी यहाँ से इसको भी मैं शेडी एरिया में ही रखूंगी, तो यहाँ से भी इसमें न्यू स्प्राउटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसी में ही मेरी ये पनसेटिया की कटिंग जो है प्लांट, ये थोड़ा सा आते हुए टूट गया था, तो इसकी भी मैं देखिए इसी तरीके से ऐसे बीच से इसको काट लूँगी और इसकी भी मैं कटिंग लगा दूँगी। तो ये मेरी दो कटिंग्स तैयार हो जाएंगी, ये दो कटिंग्स मैं इसकी लगा दूँगी। और देखिए, ये आफ्टर ये 6 से 7 दिन के बाद का मेरा अपडेट है, और देखिए अब सारी कटिंग्स बहुत अच्छे से चल गई हैं। इवन ये वाली जो मैंने पॉन्सेटिया की कटिंग लगाई थी ये भी बहुत अच्छे से चल गई, और ऐसा नहीं कि सारी ही चल गई हैं, ये कुछ एक थी अभी जो इसमें गल गई थी वो मैंने अभी हाथ से निकाल दी हैं। अगर आपको ऐसा लगे कहीं कि आपकी कोई कटिंग ख़राब हो रही है तो आप समय रहते उसको निकाल दीजिए, जिससे कि आपकी बाकी की जो कटिंग्स हैं वो इन्फेक्टेड नहीं होंगी। और देखिए कितनी अच्छी तरीके से अब ये कटिंग्स मेरी जो हैं वो चल गई हैं। देखिए इसके भी ऊपर से ये थोड़ा थोड़ा सूखने जैसा दिख रहा है, लेकिन ये कटिंग भी हमारी बहुत इजीली पॉन्सेटिया की जो है वो चल जाएगी। और इसमें भी देखिए हल्का हल्का सा स्प्राउटिंग, और अभी तक ये 5 से 6 दिन हो गए हैं और बिल्कुल ग्रीन बनी हुई है, दैट मींस कि ये हमारी जो कटिंग है ये बहुत अच्छे से चल गई है। तो अभी मैं इनका आप लोगों को रिजल्ट आगे और दिखाती रहूँगी। वैसे आप लोग भी बहुत, सबसे ज़्यादा ईजी कोई कटिंग लगने में होगी तो वो है कलेंचो की कटिंग। तो आप अभी इस टाइम पर अपने जितनी भी कटिंग्स हैं वो लगा लीजिए और अपने सारे ही प्लांट्स को सेव कर लीजिए। ये देखिए, आज मैंने ये तो मेरी पहले की जो लगी हुई थी 6-7 दिन पहले, 5 से 6 दिन पहले मैंने शूट किया था वो वीडियो, और ये आज मैं इसका अपडेट दिखा रही हूँ। और ये वाली जो कटिंग्स हैं ये सारी मैंने आज लगाई हैं, तो ये भी 5 से 6 दिन में बहुत अच्छे से चल जाएंगे। और ये कुछ लीफ बची हुई थी, तो इतने सारे पेड़ होने के, पौधे होने के बावजूद भी मेरा मन नहीं माना और मैंने ये लीफ भी प्रपोगेट करने के लिए रख दी हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये सारी ही रख दी हैं और बहुत अच्छी तरीके से ये मेरी अब चल जाएंगी।
और ये जो मेरी पहले की लगी हुई है, जो मैंने ये काफ़ी पहले, काफ़ी तो नहीं लेकिन हाँ फिर भी ये है कि 20 एक दिन पहले लगा ली थी, 15-20 दिन पहले, ये देखिए कितनी अच्छी इनमें सब में न्यू शूट्स जो है ये निकलने लग गई हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से ये मेरी चल रही हैं। और ये जैसे ही थोड़ी थोड़ी बड़ी होंगी तो इनकी और भी मैं इनको प्रोपोगेट कर लूँगी, क्योंकि ये मेरे बहुत ही अच्छे वाले कलर्स हैं। आई थिंक इसमें मेरा पिंक है, येलो है, कुछ मजेंटा टाइप का भी कलर है। तो कुछ एक प्लांट तो मेरे ख़राब भी हो गए थे लेकिन काफ़ी सारे प्लांट्स इसमें से मेरे, जैसे ये वाला कलर है, ये कुछ मजेंटा टाइप का कलर है, ये येलो है, ये ऑरेंज है, तो काफ़ी सारे कलर्स हैं मेरे पास। तो अब देखते, पिंक भी था एक मेरा, अगर वो मरा नहीं हो, देखिए कुछ कटिंग हमारी भी ख़राब हो जाती है, तो ये पता नहीं कैसे, ये वाली बड़ी सी कटिंग मेरी काफ़ी ऊपर रखी रह गई थी तो ये मेरी ख़राब हो गई है। बाकी की देखिए कितनी न्यू इसमें स्प्राउट्स जो हैं वो निकलने लग गई हैं। तो ये मेरे कुछ एक्सक्लूसिव वाले कलर्स थे, तो ये अच्छा है अगर ये चल जाएँ और ख़राब ना हो तो। ऐसे ही यहाँ देखिए मैंने कि जीजी की छोटी सी लीफ, इसके बीच नीचे कुछ भी नहीं था, सिर्फ छोटी सी एक लीफ थी जो मेरी जीजी के प्लांट से निकल गई थी, तो वो मैंने इस तरीके से ग्लास में लगा दी थी। और देखिए कितने अच्छे तरीके से ये प्रोपोगेट हो गई है। तो इसी टाइप से आप अभी कुछ भी प्लांट्स हैं वो प्रोपोगेट करते रहिए, आपके गार्डन में जो कलेक्शन है वो बढ़ते रहेगा प्लांट्स का। तो बस फ्रेंड्स, मेरे आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। ही किसी नए वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी फ्रेंड्स, तब तक ले बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।